वेल, आज का दिन तेजस्वी और करण के लिए काफ़ी खास है, साथ ही साथ उनके फैंस के लिए भी, क्योंकि आज है 24th। एंड जी हाँ, हर 24th को तेजस्वी करण के संग जो है उनके फैंस हमेशा इस दिन को स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन मतलब 10 महीने पहले प्यार का इजहार जो है इन दोनों ने किया था बिग बॉस के घर के अंदर, और दोनों तब से एक है। इन दोनों की आज 10 month एनिवर्सरी है और फैंस जो है अपना प्यार जताते हुए अपने फेवरेट तेजन के लिए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने के बल। प्रीशियस 10 months ऑफ तेजन ट्रेंड करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, जहाँ पे फैंस ढेर सारा प्यार इन दोनों के लिए देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अलग अलग फैन मेड BMs बना रहा है, तो कोई इनके कोई एडिट्स अपलोड कर रहा है, कोई अपनी दिल की बात इनके इन्हें लिखकर कह रहा है, तो कोई इनके हैशटैग के साथ इनकी लाइफ कैसी बदली है तेजन के आने के बाद इसके बारे में लिखता हुआ नजर आ रहा है। एक फैन ने एक बहुत ही प्यारा सा एडिट बनाया, जहाँ पे लिखते हैं कि दे मेक मी बिलीव इन सोलमेट्स, हैप्पी 10 months टू अ लव स्टोरी, जिसने मुझे बिलीव कराया कि ब्यूटिफुल होता है प्यार, इवन दो इफ इट्स फ्लॉड। तो किसी ने कहा, टू अ लाइफ टाइम ऑफ टुगेदरनेस एंड कंपेनियनशिप, आप दोनों ऐसे ही पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो करते रहो। और बहुत ही प्यारा सा ये पिक्चर जो है ये शेयर किया है, जो बारिश आई है में हमने उनके आउटफिट देखे थे, बिल्कुल वही आउटफिट से यहाँ पे। और आपको बता दें कि एक फैन कह रहा है, दिस विल ऑलवेज बी स्पेशल, ये उनका पहला मीट है पोस्ट बिग बॉस, उसे शेयर करते हुए एक फ़ैन नज़र आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि मैनिफेस्टिंग लाइफ देयर लाइफ लॉन्ग टुगेदरनेस, उन दोनों का पहली बार मिलना उस शो में, जहाँ पे ये दोनों एज सच दोस्त नहीं थे, बट यस एक साथ काम किया था, सो दिस इज़ द पिक्चर टुगेदर। फिर उसके बाद ये दोनों जो है बिग बॉस के घर के अंदर मिले, एक दूसरे से इन दोनों को प्यार हुआ, वो वाला पिक्चर। फिर उसके बाद इन दोनों का अगेन अनदर पिक्चर फ्रॉम द बिग बॉस हाउस, और ये पोस्ट बिग बॉस उनके लाइफ वाला पिक्चर। बहुत ही प्यारे पिक्चर्स का एडिट यहाँ पे फैंस पोस्ट करे। कोई कह रहा है, थैंक यू गाइज एंड थैंक यू गॉड कि आपने इन दोनों को बनाया, एंड थैंक यू गाइज फॉर लविंग देम सो मच, हमें यूँ ही उन्हें प्यार करना है एंड यूँ ही उनके बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ईविल आइज। तो कोई कह रहा है, भगवान जी आपका बहुत शुक्रिया, उन्हें एक दूसरे के लव स्टोरी में लाया और उन्हें हमारी ज़िंदगी में लाया। तो कोई कह रहा है कि दिस गाइज़ आर प्रीशियस, दिस गाइज़ आर क्यूटीज़ एंड आई लव देम सो मच। तो कोई कह रहा है कि मोहब्बत हो तो बिल्कुल इनके जैसी, वरना ना हो। तो कोई कह रहा है, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव, लास्ट डे था ये लाइव फीड का एंड उस दिन तेजा करण को देखकर एडिक्शन हो गया कि बॉस अब पता था इनके बगैर नहीं जी सकते। इस तरीके से प्यार जो है फैंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपना प्यार दिखाते हुए कहते हैं हैप्पी 10 months। तो यस, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून।